देखे चल गया लेकिन दिमाग खराब कर रहा हम लोग ना। देखे गया खराब नहीं किया, जितना भी देखे गया ऐसे मान लो न्यूटन ने देखे गया, अगर न्यूटन ये नहीं देखे जाता ना तो क्या होता, क्या होता पता है? हम लोग धरती में रहते सर, ऊपर नहीं। हाँ हम लोग धरती तक रह पाते, चांद पे नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाते, हम लोग रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाते हैं, सबका योगदान है। अभी बताएंगे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कितना बढ़िया इस्तेमाल है, बताए थे अर्थशास्त्र में क्या बताए थे कि कम से कम चीज में अधिक से अधिक फायदा कमाना। यहाँ पर सीखेंगे कुछ कुछ तरीका है कैसे कम से कम चीज को अधिक से अधिक फायदा कमाते। ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है, सब में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है, एक अर्थशास्त्र में इस्तेमाल होता है, सब जगह इस्तेमाल होता है। बताएं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है अभी, ठीक है? यहाँ तक कि जो डॉक्टर लोग थे वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं दवाई देने में, दवाई बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स या जो दवाई वाला फैक्ट्री जो होता है वो सब इस्तेमाल करता है, ठीक है? एक तो क्वेश्चन हम लेते हैं, कहाँ तक हो गया था, सब हो गया था, क्वेश्चन दिए थे बनाने ना। एक दूध बार बताइए दिए थे, फिर से बता दे क्या? एक दूध जरा बता दीजिए, नहीं वो भी बता दीजिए। चलो इसको बता दे, ठीक है? तीन नंबर बताते हैं, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है? दिख रहा है? तो सबसे पहला तरीका क्या बोले थे? सबसे पहले बोले थे कि हाँ, सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे हेयर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन अभी किस में लिखा हुआ, ऊपर में इन इक्वेशन में लिखा हुआ, अभी क्या हो गया इन इक्वेशन में हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा हाँ, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना, या फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट लिखते सीधा, फॉर पॉइंट्स लेट एक्स बराबर जीरो देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यानी जीरो प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, वाई का जीरो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे सेकंड टाइम में, कह लेंगे वाई इक्वल टू जीरो, तुमको पता चल गया नहीं वाई इक्वल टू जीरो पे जीरो आएगा, तो माइनस वन ले लीजिए, एक ले लीजिए। अगर अगर यहाँ पर जीरो नहीं आता ना वाई का मान, तब हम लोग जीरो लेते हैं, क्योंकि वाई पे जीरो चेक नहीं ना किया, यहाँ पर निकल गया ना, वाई पे जीरो पे क्या आएगा, एक्स वाला जीरो ही आएगा, इसीलिए अब क्या करेंगे, अब नहीं लेंगे हम लोग एक्स का मान जीरो, अब कुछ और लेंगे, अगेन लेट एक्स बराबर क्या, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट निकला ना, तुम एक्स लेगा या चाहे वाई लेगा तो एक्स वाई दोनों आएगा, ठीक है? एक्स वाई दोनों आएगा, तो हम एक्स बराबर जीरो लिए तो फिर ले सकता या फिर वाई भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्या लेना है, एक्स लेगा ना वाई लेगा, चलो वाई ले लेते हैं, वाई बराबर क्या, वन लेते हैं, लेट अगेन लेट वाई बराबर, चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फाइव लेते हैं, ठीक है? या फोर लेते हैं, चलो फोर लेते हैं, वाई बराबर फोर, देन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, यानी कि जीरो एक्स का मान, ओह यहाँ जीरो है, ठीक ठीक ठीक, ध्यान देगा। अब क्या करेंगे, एक्स का मान एक्स है, एक्स प्लस वाई का मान फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स का मान क्या है, माइनस फोर, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, माइनस फोर इधर जाएगा, माइनस हुआ नहीं हुआ, एक्स का माइनस फोर और वाई का फोर, तो पहला पॉइंट जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट माइनस फोर और फोर, ठीक है? तो हम क्या बोले थे, ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत सारा पॉइंट चाहिए, लेकिन मिनिमम दो पॉइंट में एक हम लोग लाइन खिंचा जाएगा, ठीक है? दो पॉइंट मिल गया, अब क्या करेंगे, पॉइंट से क्या करना है हम लोग को, ग्राफ ग्राफ खींचना है, ठीक है?
सो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज, अब इसका जो ग्राफ होगा ना वो यहां बना रहे, ठीक है, इसके नीचे ग्राफ बनाएगा तुम लोग, हम साइडे बनाते लेकिन तुम लोग से नीचे बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर लाइन खिंचा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, यानी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वही एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश। चलो हम लोग इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ जीरो जीरो होता है, जीरो जीरो यानी कि ओरिजिन हो गया, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, अगेन यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव, इधर पे भी ले लेते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। नीचे चाहिए क्या, चलो ले, नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा क्या। देखो क्या बोला, पहला पॉइंट जीरो जीरो यानी कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। दूसरा पॉइंट माइनस फोर एक्स, एक्स में यानी माइनस फोर एक्स यहाँ, ठीक है, और क्या फोर, यानी कि ये वाला है, डॉट करके चेक करें यहाँ से और इधर से ये, यानी कि यहाँ पर आएगा यही ना। अब क्या करना है, ये जो यहाँ से एक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है, लाइन खींचना है, तो लाइन कैसा होगा, वो डार्क लाइन होगा या डॉटेड लाइन होगा, शायद डार्क हुआ या पूरा बोलो, शायद नहीं डार्क हुआ, क्यों, क्योंकि बताए थे कि अगर लेस दे, हाँ ये छोटा का ये बड़ा का लेस देना, गेड़े देगा साइन रहेगा तब तुमको डॉटेड लाइन देना है, लेकिन अगर साथ में ये इक्वल टू दे दे तो डार्क लाइन देना है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन है तो क्या डार्क होगा। चलो हम लोग इसमें लाइन को डार्क लाइन से मिलाते हैं, ठीक है, हाँ डॉटेड दिखाना पड़ेगा, खैर बोलने के लिए नहीं दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डार्क लाइन ड्रॉ हो गया, अब क्या है, हम लोग का तो लाइन खिंचा गया, अब हमको सॉल्यूशन रीजन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन में शेड किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा। तो पहले क्या था ना, चेक करना होगा, पहले क्या था कि हम लोगों का अगल बगल ड्रॉ होता था, जीरो डाल के चेक कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, जीरो पर ही लाइन क्रॉस कर रहा है, तो कहाँ बोलेंगे, या तो इस साइड चेक करेंगे, या इस साइड चेक करेंगे, या इस साइड चेक करेंगे, इस साइड चेक, किस साइड चेक करेंगे, चार को साइड है सोनू, चार को साइड है अपने पास, तू यहाँ ध्यान नहीं देता है, कहीं और रहता है। हाँ देखो, चार वो यहाँ पर तुम्हारे पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार टू चतुर्थांश है, किस चतुर्थांश में तुम्हारा चेक कर रहा है, हम लोग को इसमें इसमें ये इसमें इसमें किसमें चेक करना है, शेडेड रीजन जो होगा हमारा सॉल्यूशन वाला जो होगा, हल वाला क्षेत्र किधर होगा। देखो पहली बात, चार को क्वाड्रेंट पे चेक नहीं करना है, किस पे चेक करना है, दो गो में, यहाँ पर तो होगा नहीं, तो किसका तो बंटवारा हो चुका है, इसका ये बंटवारा हो गया, तो यानी ये इस पे चेक नहीं होगा, किस पे चेक होगा, इस पे और इस पे चेक होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमको चेक इसमें इसमें करना है, तो चेक जब करना है इसमें इसमें, तो किसमें लाइक करेगा, कैसे करेंगे, कोई भी यहाँ से एक पॉइंट उठाएंगे और वो जो इक्वेशन है ना पहला वाला उसमें डाल के देखेंगे, ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो इधर शेड कर देंगे, इधर छायांकित कर देंगे, अगर इधर वाला में नहीं लाइक किया इसका मतलब कहाँ, इधर नहीं तो कहाँ होगा, इधर होगा। तो कोई भी पॉइंट यहाँ का या यहाँ का एक बार लेकर चेक कर लेना, ठीक है। जो चीज़ तुम लोग जीरो करते थे पहले, हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे, तो क्या ले बोलो, इधर ले, इधर ले, इधर लेते हैं, प्लस में अच्छा रहेगा, क्या ले लेते हैं, तीन तीन चार ले लेते हैं, क्या ले लें, तीन चार कुछ और ले ले बोलो, तीन तीन ले लेते हैं, ठीक है, तीन तीन, लेट लेट्स चेक। हाँ तो वही ना बोल रहा है, बताया था ना पहले जीरो जीरो पे चेक करते थे, क्यों, क्योंकि तो इधर होता था लाइन, लाइन इधर होता था या इधर होता था, हाँ जीरो जीरो पर चेक करना है। हाँ, जब तुम्हारा जीरो से हट के सेंटर से हट के अगल बगल कहीं होगा,
तब जीरो पर चेक करेगा। अब तो लाइन वहाँ जीरो से गुजर रहा है ना, तो वहाँ पर कैसे चेक करेगा? वो तो पहले पता चलता है कि जीरो पर है ही है लाइन, यहाँ दिया हुआ है ना कि जीरो पर लाइन गुजरा है, तो चेक कैसे करेगा तुम? चेक वहाँ करते जहाँ पर हमको पता नहीं होता है, यहाँ तो पता है, तो कहाँ चेक करेंगे? अगल बगल चेक करेंगे, ठीक है? तो लेट्स चेक द पॉइंट, कौन सा? 3 3 3 3, ठीक है? तो क्या, चलो यहाँ पुट करते हैं x प्लस, इसको पूरा लिखो इन इक्वेशन वन, क्या पॉइंट बोलो, इक्वेशन x प्लस y जीरो, x का मान कितना 3 प्लस 3 लेस देन जीरो, यानी कि 6 लेस देन इक्वल टू जीरो, है क्या जीरो से छोटा है या बराबर है? ठीक है, जीरो से छोटा है या बराबर है जीरो का? छोटा मतलब बराबर नहीं होता, तभी सेटिस्फाई नहीं है। तो पॉइंट डजंट सेटिस्फाई, एक मिनट, सेटिस्फाई 3 3, सो इट नॉट लाई इन दैट प्लेन। हाँ, क्या बोल रहा है बोलो तो? बोले क्या, जैसे पॉइंट वहां लिखे हैं लेस देन चेक करेगा, साइन को देखेगा, साइन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो अभी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अभी हम लोग कौन सा पॉइंट चेक किए थे? 3 3 इधर था, इधर था, तो इधर साइड इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया इसमें, मतलब सेटिंग किधर होगा? नीचे होगा, ठीक है? हाँ, तो तुम्हारा सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा? सॉल्यूशन रीजन कहाँ हो गया? ये जो सेड कर रहे हैं छायांकित कर, आदम होगा ऊपर, नहीं तो कहाँ जाएगा नीचे? दुगो है ये पोर्शन, अरे को मैंने दूसरा होगा, ठीक है? तो ये था एक 3 का, ठीक है? जीरो पर सेटिस्फाई करा था, हाँ, लेस देन है ना, हाँ तो करा था, तो हाँ हाँ, तो उसका नीचे करेंगे, नीचे इधर नीचे पॉइंट का नीचे ही हुआ, नहीं हुआ पॉइंट का नीचे, हुआ यही हुआ, हाँ ऊपर हुआ। लेकिन देखो तुम आधा किया, अभी उस तरह अभी नहीं आया तुम्हारा कि ट्रायंगल में करेगा, ये पूरा करेगा ऐसे, हाँ ये पूरा करेगा। अभी तुम्हारा बाउंड्री रन दिया है, ये बोला लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर ही तो उधर, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ ना ये ट्रायंगल, ये है तुम्हारा, ये आ गया। अभी बोला कि लाइन की इधर, तो लाइन की इधर, इधर तो सब जगह होता है ना, लाइन की इधर तो इधर भी हो रहा। अभी तुमको ना बोला कि इसके नीचे है, इसके नीचे है, तो अपने से इसको ही करेगा। अभी बोला लाइन से इधर तुम्हारा सारा सॉल्यूशन होगा, लाइन से सारा इधर सॉल्यूशन होगा, ठीक है? हाँ, क्या कोई दिक्कत? दिक्कत होगा पूछेगा। जैसे लेस और ग्रेटर में, हाँ जानेंगे कि लेस में नीचे होगा, ग्रेटर में ऊपर होगा। नहीं, वैसा दिमाग मत लगाना, वैसा में कहीं कहीं गलती हो जाता है, अगर साइन चेंज कर देगा इधर तो दिक्कत हो जाएगा, समझा? नहीं समझा? अभी देखो क्या सेटिस्फाई किया? नहीं, कैसे नहीं किया? हाँ, तो मान लो कि अगर पॉइंट मान लो इसी का लाइन का होगा, तो जीरो पे चेक किया, सेटिस्फाई कर गया, इधर सेट होगा। अगर मान लो नहीं होता, अगर ऐसे हो जाता, ठीक है, तो हमको इस तरफ सेट करना पड़ता, जीरो इस तरफ है ना, लाइन ये लाइन के किस तरफ जीरो है, इस तरफ है, जीरो सेटिस्फाई नहीं किया, जीरो पे चेक सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इधर नहीं होगा, इधर होगा, ठीक है? चलो अभी एक तो बोले सर, जो बोला कट जाएगा उसको छोड़ के, अच्छा चलो अभी थोड़ा खींचपिच हो गया, एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे और क्लियर होगा, ठीक है? चलो एक तो अभी जो चौथा नंबर बन गया सबसे, हाँ इसमें किसी का ग्राफ नहीं बना होगा तो ठीक कर लेगा, ठीक है?
चौथा में क्या क्वेश्चन है, ये बनाया, चार नंबर बनाया, वाई इज ग्रेटर देन, चलो देखो बताते हैं, देखो मिला लेना, चार नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हेयर या फिर गिवन दैट जो लिखना है, चलो गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट क्या y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स बाय टू, इसको इक्वेशन वन मान लिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स बाय टू, इक्वेशन टू, चेक करना है इसमें पॉइंट, ठीक है, फॉर पॉइंट्स, लेट x इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस जीरो बाय टू, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया जीरो जीरो, ठीक है। अगेन हाँ, आप जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो पे ऑलरेडी चेक हो गया, अब क्या करें, अगेन लेट, अब x लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेना, टू ले लें, टू x इक्वल टू टू, तो यहाँ चेक करेंगे, देन y इक्वल टू क्या, माइनस टू बाय टू, क्या हो गया, यानी माइनस वन, ठीक है। तो क्या हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया टू और माइनस वन। तो अब हम लोग को जब पॉइंट मिल गया, क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स आर। चलो सर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, समकक्ष कह सकते हैं उसके, समकक्ष, ठीक है, उसके समान, समकक्ष ही कह सकते हैं, हिंदी में कहीं कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देता है, समरूप सिमिलर में आता है, सर्वांशम कंग्रुएंट होता है, संगत ले गए, संगत, हाँ देखो क्या, यहाँ जाओ, यहाँ हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ द पॉइंट आर, हम लोग को क्या बात है सुनो, तो प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा, कम से कम जितना लिखा है उससे ज्यादा थोड़ा ले लेगा, अच्छा रहेगा ना, दो लिखा है सर, पांच ले लिया, हाँ थोड़ा पांच, तो ग्राफ भी छोटा ना बन जाएगा, नहीं ना आएगा बढ़िया फोटो, थोड़ा बड़ा रहेगा दिखेगा उधर से, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, इधर भी ले लेते हैं, लेना पड़ेगा क्योंकि वाई वाई में माइनस है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, हाँ चलो, पहला पॉइंट क्या है, जीरो जीरो यहीं पर होगा, दूसरा पॉइंट क्या निकाले, दो माइनस वन, यानी यहाँ कैसा लाइन खिंचाएगा, डॉटेड या फिर डार्क लाइन, डार्क लाइन क्यों खिंचाएगा, क्या बराबर में, हाँ बराबर में, तो मतलब सर क्या, अरे ग्रेटर देन और इक्वल, हाँ इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ दिक्कत होता है तुमको, यही सर तुम साइन में दिक्कत हो जाता है, कहाँ दिक्कत होता है, इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, कब ग्रेटर हो जा रहा है, कब ग्रेटर हो जा रहा है, समझे, पहले दिन बताया था ना तुमको, हो जा रहा है बताए थे, लेकिन नहीं था इससे कंफ्यूजन है ना सुनो, पढ़ने में इतना दिक्कत होता है, सारी दिक्कत दूर कर लेंगे सर, अरे वाह, पहले बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर ना सर, ये क्या लिखा, ग्रेटर बड़ा है छोटा है, सामने क्या है, आदमी जाता है कि यस जाता है, किधर से आता है, इधर यस जाएगा ना, पढ़ते इधर से पढ़ते ना हम लोग, इधर से पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए यस जाएंगे, तो पहले क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, बड़ा मिलेगा ना,
तो सर क्या पढ़ेंगे? पढ़ते हुए जाएंगे जैसे क्या पहले मिला? छोटा लेस देन ये क्या ये सर ऊपर वाला ग्रेटर नीचे वाला लेस। चल ठीक, इसको पढ़ के बता सर। 5 ग्रेटर देन 2 ठीक है, इसको पढ़ के बता। इसको पढ़ के बता। 6 से यहां सर 1 से 6 बड़ा सर। तब 6 ग्रेट 1 ग्रेटर देन 6 उल्टा हो जाता है। 6 ग्रेटर देन 1 हां 6 इज ग्रेटर देन 1 ठीक है। इसका सर 7 ग्रेटर देन 0 ठीक है। 7 लेस देन 2 9 है ठीक है। 9 है हां सर 7 लेस देन 9 ठीक चल ठीक है। हां सर किस में डॉट होता किस में डॉट होता? हां जब ई वाला रहेगा इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या लाइन पे ना, लाइन के नीचे लाइन के बाहर तो मतलब डॉटेड लाइन होगा ठीक है। और जब जब इसमें इक्वल टू देते हैं मतलब लाइनों को लाइन कर लाइनों को लाइक कर इसको लाइनों को लेना पड़ेगा डॉट डार्क लाइन ठीक है। चलो हम लोग को लाइन खींचना था कहां पर? यहां तक क्लियर है? हम लोग पॉइंट यहां डाल लिए थे, हम लोग पॉइंट 0 0 पर डाल लिए थे और 2-1 पर डाल लिए थे। अब यहां से क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। डॉटेड लाइन नहीं होगा, डार्क लाइन होगा। डार्क लाइन खींच दिए, हम लोग क्या चेक करना है? सॉल्यूशन रीजन कहां लाइक करेगा? तो लाइन के इस तरफ या इस तरफ? तो हम लोग क्या 0 0 चेक कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते 0 0 चेक? जीरो से लाइन गुजर रहा है, क्योंकि 0 से लाइन गुजर रहा है, चेक तो होगा नहीं। तो कहां से करना होगा? हां सर 3 4 या ऊपर या नीचे चेक करना? हां तो ऊपर चेक करते हैं, नीचे चेक करते हैं, ऊपर चेक करते सुविधा होगा ठीक है। क्या ले ले पॉइंट? पॉइंट ले लीजिए 4 और 4 फॉर सॉल्यूशन रीजन चेक क्या 4 4 चेक 4 4 इन इक्वेशन क्या 1 क्या 4 4 चेक करते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x बाय 2 ठीक है। y का मान 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 बाय 2 मतलब क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कट के 2 माइनस 2 क्या 4 जो है माइनस 2 से बड़ा है कि नहीं? हां सर सैटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब ए को देखना है, दोनों ने देखना है। अब एक ही को देखना है? नहीं मतलब तुमको क्या एक देखना है, कोई भी एक सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है। कर रहा है ना बड़ा वाला सेटिस्फाई? इक्वल टू वाला पे ध्यान मत दो ठीक है। हाँ ये दोनों को देखना है ठीक है। हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं करना इसमें ठीक है। जब जब मान लो यहाँ पर तुमको तो कोई चारा नहीं है, चेक करना ही पड़ेगा एगो में, लेकिन जब दोनों आ जाए ना तो एक साथ दोनों चीज नहीं होता, एगो चीज होगा ठीक है। तो या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो ग्रेटर वाला हो गया ठीक है। सेटिस्फाई कर गया हाँ, तो वहां पर जहां जहां हो जाएगा वहां वहां हो जाएगा ठीक है। ठीक है इट सेटिस्फाई हाँ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन लाई अलोंग इट्स साइड। सॉल्यूशन रीजन इस उसी साइड में होगा। किस साइड में हम लिए थे पॉइंट? इस साइड में लिए थे। सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा? ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन रीजन ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा किताब में मिल जाएगा ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है तुम लोग का क्वेश्चन आंसर बैंक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा ठीक है। अब इस तरह से पूरा नहीं मिलेगा, इसमें कुछ पॉइंट और लिखा हो रहता है, इसमें जेड इक्वल टू समथिंग लिखा हो रहा था ठीक है। हाँ तो वो अभी इससे एक स्टेप कम है, अभी वहां हम लोग नहीं पहुंचे ठीक है। हाँ उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग एलपी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम लोग बेसिक से जान रहे हैं ठीक है, ताकि जब एलपी स्टार्ट करें तो तुम लोग चुटकियां बनाए ठीक है। वहां फिर पूछेंगे डायरेक्ट कि कैसे ये होता है। अब देखो क्या, चलो हम लोग एक क्वेश्चन इसमें डील करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से लिखेंगे क्योंकि बहुत लाल लंबा जाएगा ये। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। और दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन x प्लस 3y। हाँ अभी दिखेगा रुको, छोटा हाँ अब दिख रहा है। और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ठीक है। बता रहे सब बता रहे।
इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, आगे पता है कि इसको क्या बोलते हैं लेकिन फिर भी जान लो, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, कितना कॉन्स्टेंट है इसमें, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन है ना, चार इन इक्वेशन है, चारों को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो लिखिएगा गिवन गिवन कॉन्स्टेंट आर, क्या क्या है, पहला है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 060 इक्वेशन वन। ठीक है, दूसरा क्या है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 इक्वेशन टू। अगेन चौथा क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। यहां तक क्लियर है, सीधा उतार दिए सारा इक्वेशन का, सारा इक्वेशन का हम लोग है ना पॉइंट निकालेंगे सारे। हाँ, तो किसका किसका निकालना पड़ेगा हमको, इसका इसका निकालना, इसका निकालना पड़ेगा क्या, इसमें सीधा बोला x इक्वल टू 0 बोला, y इक्वल टू 0 है या फिर x ग्रेटर देन 0, मतलब इसका हम लोग पॉइंट नहीं निकाला, इसमें निकला y की पॉइंट है। ठीक है, इसे अगर आप खींचने का ये बता देंगे, दोनों का निकालना ये दोनों का। ठीक है, तो फॉर पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन वन लेट क्या x इक्वल टू 0। ठीक है, इससे निकालेगा या फिर इंटरसेप्ट मेथड से निकालेगा, इंटरसेप्ट मेथड से निकालो एक बार में निकलेगा, ठीक है छोटा में निकल जाएगा। फॉर पॉइंट पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन वन 3x प्लस 4y 60/60। ठीक है, शॉर्ट में बना रहे हैं 3x/60 प्लस 4y/60 इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट कर दे, लिखिए बिना लिखे जरूरत। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया 60/61 काटेगा कितना आएगा, बीस। ठीक है, थ्री यहाँ पर, ठीक है यहाँ मान, इसका मतलब क्या, एक्स वाला 20 पे काट रहा है, वाई वाला 15 पे काट रहा है, दैट इज पॉइंट इज क्या 20 15। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा 20 0 एंड x पे 20 के काटा, x पे इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, यहां पर ऐसे वाला निकलता है इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर जो काटेगा वो क्या है, ए को मान होगा यहां से यहां तक, एक्स वाई का मान 0 होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट हमें बताया था ना, इंटरसेप्ट भूल गया, इसलिए कोई बात नहीं, अब दिमाग में रखो कि यहां पर जो पॉइंट होगा एक एक्स वाला जो लेगा वाई वाला 0 हो जाएगा, यहां पर एक्स वाला 0 वाई वाला पॉइंट लेगा। ठीक है, तो क्या होगा 0/15। इसका यही फायदा है इंटरसेप्ट फॉर्म का कि एक बार में दोनों पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, सुविधा। चलो अब सेकंड का निकालते हैं। ठीक है, फॉर पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन टू। ठीक है, क्या x प्लस 3y इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलते हैं। ठीक है, 30 क्या हो गया, x बाय 3/30 इक्वल टू 30/30 क्या हो गया, x बाय 30 अरे यहाँ पर 3y/30 इक्वल टू 1 क्या हो गया, x बाय 30 प्लस y/10 इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्टी जीरो 8 0 10। ठीक है, 0 10। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ नाउ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 ईच। दो क्या है, अब उसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो हम लोग कितना का अंतर लेके चलेंगे, 5 का अंतर लेके चले, 10 का, 10 का लेके चलते हैं, 5 का लेके चलिए, 5 का इसमें 0 5। अरे वो ठीक है, अगर हम लोग जो है ना 5 का लेके चलेंगे तो क्यों पॉइंट देना पड़ेगा 30 तक लेने के लिए, 6 6 10 को दीजिए, जहां रहेगा 2 20 में दे दीजिएगा पॉइंट,
पांच ऐसे सर पांच वाला ठीक रहता, बीच में एक गो कॉइन, चलो पांच कर देता, चलो ठीक, दस का मतलब तीन गो चार गो इतने रहेगा, ठीक है, पांच में थोड़ा बड़ा बनेगा क्या, तो पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस, गिनती सीख लो, ठीक है, अगर भूल गया तो पांच का पहाड़ा माइनस दस माइनस पंद्रह माइनस तीस माइनस पच्चीस, उसके बाद नीचे का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं सर, अरे इधर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, काहे ला ड्रॉ करवा रहा है, ठीक है चलो अब सब सब निकले, पहला पॉइंट क्या, एक्स बीस वाई जीरो, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे पहला अलग है, देखिएगा पहले पहला अलग, उसका दूसरा है जीरो पंद्रह, एक्स पे जीरो पंद्रह, यहाँ पे कैसा है लाइन, कैसा है इक्वल टू भी दिया हुआ, डॉटेड लाइन नहीं होगा, अरे हम ऐसे मिला दिए, अरे सीधा बनो ना, हाँ ठीक है ठीक है, ये किसका हो गया, इसको लिखिएगा यहाँ पर ऐसे लाइन देख लिखेगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई सिक्सटी, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो है ना सेकंड वाला लाइन का ड्रॉ करना, सेकंड क्या बोलता है, तीस तीस जीरो अच्छा जीरो दस, यानी यहाँ पर अब इसको मिलाएंगे, हाँ तो इसका क्या हो गया, एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू थर्टी, ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है ना, अभी दो कोई क्वेश्चन और बचा है, ये और ये दोनों का खींच दिए, इसका एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मतलब x का मान जितना हो क्या होगा, तो x यहां x ही ना है, इसका मान जीरो से बड़ा, मतलब क्या, ये लाइन जो होगा इसके इधर, ये लाइन के इधर ना, x का जितना मान जीरो, x का मान जीरो यहां पर ना हुआ, हाँ तो x का मान जीरो से बड़ा कहां होगा, इधर, तो ये एक लाइन होगा यहां पे, ठीक है, अब बोला y ग्रेटर देन जीरो, मतलब y का मान कहां होगा, ऊपर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लाइन खींचा होगा, ठीक है, एक लाइन यहां खिंचाया, एक लाइन यहां खिंचाया, ये जीरो जीरो है, ठीक है, एक लाइन ये खिंचाया, एक लाइन ये खिंचाया, अब देखो किधर बॉन्ड रीजन को किधर बॉन्ड करेगा, क्या बोल रहा है, पहला इक्वेशन बोल रहा है, पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, हाँ तो सही रीजन किधर होगा, ये लाइन का इधर होगा या इधर होगा, कैसे सर बराबर भी है, चेक करना है, चेक करना है ना, हाँ ठीक है, फॉर जीरो जीरो पर चेक होगा इसमें, हाँ हाँ फॉर, क्योंकि जीरो से ऊपर है ना, जीरो फॉर सॉल्यूशन रीजन ऑफ क्या इक्वेशन वन, चेक क्या जीरो जीरो, चलो चेक करते हैं, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 डालो, 3 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू 60 क्या, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब क्या, इट सेटिस्फाई लिखो डायरेक्ट, इट सेटिस्फाई, इसका मतलब, इसका मतलब ये जो लाइन है इसका सेड रीजन कहाँ होगा, इधर होगा, इस तरह से खाली लिखेगा, इस तरह से खाली लिखेगा, एकदम ध्यान से देखो इसको समझो, कहीं डाउट होगा तो पूछ लेगा, ये जब चेक किए कौन सा लाइन का चेक किए, ये लाइन का चेक किए ना, ये लाइन कौन है, ये वाला है ना, ये वाला है ना, ऐसा नहीं कि यहां से लेकर इधर चल जाना, हाँ सेटिस्फाई नहीं करते तो ऊपर ले, इसे जो तीर बनाते हैं ना, तीर ऊपर बनाते हैं, समझ रहा, सेटिस्फाई कर गया, तीर नीचे बनेगा, मतलब नीचे सॉल्यूशन अपना कहाँ है, नीचे है सॉल्यूशन अपना, नीचे आगे आप किसका चेक करेंगे, ठीक है, फॉर
सॉल्यूशन रीजन ऑफ हाँ हाँ इसमें जीरो लेंगे ऑफ इक्वेशन टू, इसमें भी जीरो जीरो लेंगे, चेक जीरो जीरो, चेक एड जीरो जीरो, ठीक है चेक एड जीरो जीरो। तो क्या दूसरा क्वेश्चन, x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो लेस देन इक्वल टू 30 क्या हो गया, इट ऑल्सो सेटिस्फाई, इट ऑल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बोला, ए लाइन के नीचे बोल रहा है। अब जो है दिमाग को ग्राफ पे फोकस करो कहीं नहीं, ठीक है। ये लाइन वाला बोला कि इसके नीचे लेना, ये लाइन बोलता है इसके नीचे लेना, ठीक है। अब देखो वो वाला लाइन क्या बोला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब क्या बोला, x इधर लेना मतलब इधर लेना है ना, ये भी लेना इधर भी लेना, ये बोल रहा है ये लाइन को भी लेना इधर लेना, और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला क्या ऊपर लेना है, ऊपर लेना, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि आगे मेरा सेट इससे आगे नहीं होगा, इधर इससे आगे सेट नहीं होगा, अब यहां हमको चेक करना है कि इसके आगे सेट नहीं करना या इसके आगे सेट नहीं करना, बताओ इसके आगे सेट नहीं होगा या इसके आगे सेट नहीं होगा, ऊपर वाला का आगे सेट नहीं होगा। अच्छा तुम नहीं मालूम, देखो ऐसे मान लो रास्ता दो बैरिकेडिंग, यहां एक बैरिकेडिंग यहां, तुमको जाने के लिए बोलेगा, यहां बैरिकेडिंग है एक, एक बैरिकेडिंग यहां, तुम कहां रुक जाएगा, पहले बैरिकेडिंग में से घूम जाए, पहले बैरिकेडिंग से घूम जाएगा या फिर वहां जाकर घूमेगा, पहले वाला बैरिकेडिंग से घूमेगा ना, तो कहां रेस्ट्रिक्शन लगेगा, कहां रुकेगा, ये इसको भूल जाना है दिमाग, अब इसको क्लियर कर लो क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा डाउट यहीं पर होगा, ये सब चीज में डाउट होगा, ठीक है क्लियर है आप, पुराना जो मिनिमम जो होगा वहीं पर रुक जाना, इसको और डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और यहां पर ऊपर वाला ये वाला तुम क्या बोलते है जी, नहीं ये लाइन नहीं, अब लाइन को मत देखना कि ये लाइन है इसी के ऊपर खींचेंगे, यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट तो बदल जा सकता है, तो यहां पर कम कौन हुआ, ई कम हुआ, ये कम हुआ ऊपर लग कम हुआ, अगर यहां से अगर चलेगा आदमी चलेगा तो पहले कौन लाइन मिलेगा, नीचे नीचे वाला रेस्ट्रिक्शन हुआ ना, ऊपर लगा बोल रहा है, तो क्या हो गया यहां रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये सब यहां से यहां हुआ, यहां से यहां, यहां से यहां, इसको क्या कर देगा, ए पॉइंट को ए नाम दे देगा, इसको बी नाम दे देगा, इसको सी, इसको डी, ठीक है, और इसको सेट कर देगा, इसको क्या कर देगा, ठीक है। इसी को बोलते हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है फिजिबल रीजन, हाँ तो लिख देगा लास्ट में लिखिएगा हेंस ए बी सॉरी ऐसे ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन, ठीक है। ये हुआ बेसिक, आगे जाके अभी और इस पर डीप जानेंगे, यहां तक क्लियर है, होमवर्क तुम लोगों को दिए थे क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, आगे हम लोग और भी जानेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जानने वाले हम लोग, ठीक है। अभी फिजिबल रीजन, बाउंडेड रीजन, इनफिजिबल रीजन, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन सब जानने वाले हैं, ये सिर्फ बेसिक है, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, क्लियर है यहां तक। चलो एगो होमवर्क लिखा है इसका, अच्छा उतार जल्दी उतार लो।